संस्कृत व्याकरण हम लोग बात कर रहे हैं मैट्रिक बोर्ड के लिए, क्योंकि इसमें से इसके मदद से हम बहुत से अनुवाद भी बना सकते हैं और इसका प्रयोग एकदम मैंने परीक्षा में भी हूबहू पूछा है कि इस सूत्र का साधारण व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। कई एक बार हम देखे हैं कि जैसे दे दिया कि एनांग विकार है तो उसका साधारण व्याख्या कीजिए, मतलब कि क्या है वो। तो ये सब सूत्र जब याद नहीं रहेगा तो बनाने भी अनुवाद नहीं आएगा और वो स्पष्ट भी करने नहीं आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कर्म कारक में, कुछ ग तक लग रहा है बताए थे, है ना जी? जी, इसमें हम बता रहे हैं कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति में घ से क्रिया विशेषण द्वितीय। क्रिया विशेषण पदों में एक वचन होता है लेकिन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण से मतलब क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे कि वह चलता है तो चलना तो यह क्रिया हो गया, लेकिन धीरे धीरे चलता है, चलने की हम विशेषता बता रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहा है? गाती है तो गाने का मतलब ये नहीं हुआ, लेकिन वो मधुर गाती है, जोर से गाती है, धीरे गाती है ना, ऐसा बोल रहे हैं। तब वो हम क्या बोल रहे हैं? क्रिया विशेषण बोल रहे हैं। जैसे वह धीरे धीरे दौड़ती है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? धीरे धीरे एक शब्द है जो क्रिया विशेषण है, तो सा मंदम मंदम धावती, धीरे धीरे, धीरे धीरे का मंद होता है, और मंदम लगा दिए तो मंदम लगा दिए तो कौन हो गया? द्वितीय विभक्ति हो गया कि नहीं हो गया? बालकम बताए थे ना, राम मीठा गाता है तो रामह मधुरम गायती, रामह मधुरम गायती। अब है अगला है एक सूत्र, काला धवनो और अत्यंत संजोगे द्वितीया। काला धवनोर अत्यंत संजोगे द्वितीया, काल और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्याप्ति हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एक कोस तक नदी टेढ़ी है तो क्रोशम कुटिला नदी, अपवर्ग तृतीया में भी आएगा ये, क्रोशेन कुटिला नदी भी लिखाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी होता है। उसमें अपवर्ग में होता है कि फल के प्राप्ति, कार्य के समाप्ति और फल के प्राप्ति में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उसका भी जिक्र अभी आगे करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये क्या बोल रहे हैं? काला धनुर अत्यंत संजोगे द्वितीया। इसमें है कि काल और मार्ग, काल में समय होता है और मार्ग में रास्ता, ऐसे शब्दों में हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। जैसे कि एक कोस है ना, एक कोस तक तो ये हो गया ना मार्ग की बात, तो क्रोशम लग गया। वह एक माह में व्याकरण पढ़ लिया तो सह मासम व्याकरणम अधितवान, मासम लग गया है ना, क्योंकि समय है। करण कारक, अब तृतीया वाला में आ गए हम, तीसरा में पहले कर्म कारक में थे, अब तीसरा में आ गए हैं करण कारक में, तृतीय विभक्ति। क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक होता है, माने कि जी अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो एक्टिविटी हम कह सकते हैं कि जो कर रहे हैं वही क्रिया है ना, क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक होता है। तो करण कारक मतलब, करण का मतलब क्या होता है? जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए जो सहायता आप जिससे ले रहे हैं वो आपका करण कारक है। जैसे कि वह खाना खाता है कौची से, चम्मच से, वह उसे पीटता है तो कौची से, डंडे से, समझ रहा है? तो पीटने में मदद कौन कर रहा है? डंडा, सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो उसलिए वहाँ ऐसे चीज़ों में से शब्द लगा रहेगा तो करण कारक होगा। जैसे करने तृतीया, एक सूत्र पर बात कर रहे हैं, करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने सोहन को डंडे से पीटा, मोहन सोहनम मतलब सोहन को द्वितीय वाला हो गया, दंडेन अताड़यत कौची से पीटा, डंडे से तो दंडेन लग गया, बालकेन तृतीय विभक्ति होता है ना, ऐसे लगाते हैं। फिर है ख, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अनुक्ते कर्तरी कर्मवाच और भाववाच में, कर्मवाच समझते ना, पैसिव वाइज जिसको कहते हैं, जिसमें कर्म ही प्रधान लगता है, कर्मवाच और भाववाच में कर्ता में तृतीय व्यक्ति होता है। जैसे राम के द्वारा रावण मारा गया तो रामेन रावण, किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा, तो इसमें रामेन में लगेगा, तृतीय व्यक्ति लगेगा। ग है सहार्थे तृतीया, सहार्थे मैंने साथ, इसमें स साकम सार्धम समम सब शब्द रहेगा तो उसका अर्थ साथ ही होता है, तो साथ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, समझ रहा है? जैसे राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, रामेन सह किसके साथ गए? राम के साथ, इसीलिए रामेन लग गया, रामेन सह लक्ष्मण अपि बनम गतवान, समझ रहा है? फिर आगे है अपवर्गे तृतीया, जो अभी बात कर रहे थे कि कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति के अपवर्ग कहते हैं, इसके अर्थ में कालवाचिक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जो हम लोग उसमें बतिया रहे थे ना, काला धन रतन संजोग द्वितीया, उसके लिए ही है, उसी में इसमें होता है। सा मासेन व्याकरण अधितवान, वह अधितवती लड़की है
अधित्वती लग गया, समझ रहा है, वो एक महीना में व्याकरण पढ़ ली। अब देखो अगला है एनांग विकार तृतीया, मैंने अंग के विकार में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे जिसको अंग जो विकार है जैसे कि वह कान से बहिरा है तो सह करने न बधिर अस्थि, वह पैर से लंगड़ा है तो सहपादे न खंज अस्थि। तुल्यार्थे तृतीया, अगला है तुल्यार्थे तृतीया, तुल्य या समता मतलब बराबरी करने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है या षष्ठी भी होता है इसमें, जैसे धने न तुल्य है धन से तुलना या धन से तुल्य भी लिख सकते हैं। एक अगला है हेतो तृतीया पंचमी च, मैंने हेतो मैंने कारण, हेतु का मतलब होता है कारण, कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियां होती है, जैसे वह खुशी से हंसती है, काहेला हंसती है खुशी से मैंने खुशी के कारण हंस रही है, इसीलिए सा हर्षेन लगाएंगे या हर्षात भी लगा सकते हैं, पंचमी विभक्ति में भी इसका इस्तेमाल होता है हंसती, ठीक है। आगे एक है दिखाओ बढ़िया से, इथम भूतम लक्षणम, इथम भूतम लक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया, माने लक्षण अर्थात उपलक्षण बोल सकते हैं, उपलक्षण उपलक्षण अर्थात चिन्ह, किसी के पहचान के अर्थ में प्रत्युक्त प्रयुक्त शब्द, जो मेरे जो आप प्रयोग कर रहे हैं शब्द, उसमें तृतीया व्यक्ति होता है, जैसे वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है तो सह पुस्तकेन, किस से छात्र मालूम पड़ता है पुस्तक से, तो सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, हल से किसान मालूम पड़ता है हलेन कृषक प्रतीयते, समझा रहा है। फिर है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, चौथा वाला में हम लोग आ गए हैं, है ना, तो इसमें है संप्रदान ने चतुर्थी, मतलब संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होता है, जैसे कि के लिए शब्द बताए थे शुरू वीडियो में, शुरू क्लास में, वह फल के लिए बाजार जाती है तो सा फलाए, चतुर्थी हो गया फलाए हाटम गच्छति, एक फल के लिए होगा तो फलेव्य हो जाएगा, बहुत से फल, है ना। दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति लगता है, जिसको दान देते हैं उसमें, जैसे राजा गरीबों को धन देते हैं, किसको देते हैं गरीबों को, तो बहुत से गरीब हैं तो निरीपह दरिद्रेभ्य, एक गरीब को देंगे तो दरिद्राय होगा, आराम सुन में, निरीपह दरिद्रेभ्य धनम ददाती, है ना, वह धोबी को वस्त्र देता है तो सह रजकाय वस्त्रम ददाती, ऐसे लगाएंगे। तादेअर्थे चतुर्थी, जिसके लिए कोई क्रिया किया गया हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे अध्ययन के लिए पुस्तक तो अध्ययनाय पुस्तकम, आभूषण के लिए सोना तो आभूषणाय स्वर्णम, याद रखना है तादेअर्थे चतुर्थी है, समझ में आ रहा है। और है दो ठो बचा हुआ है घ में, देखिए उसी में कहा है चतुर्थी वाला में क्या, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलर, है ना, देख रहे हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन सभी के योग में क्या होता है चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, लिख भी दिए हैं कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, जैसे श्री गणेश को नमस्कार है तो श्री गणेशाय नमः, नमः के योग में आय लग गया बालकाय, है ना चतुर्थी व्यक्ति। अग्नेय स्वा अग्नाय स्वाहा होता है ना, अग्नि के लिए स्वाहा तो अग्नाय स्वाहा, है ना, इस तरह से होता है। फिर है रुचि अर्थानाम प्रियमाना, माने कि रुचि के अर्थ में जब कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसी में हम क्या करते हैं चतुर्थी व्यक्ति प्रयोग करते हैं, जैसे हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, मुझे मिठाई अच्छा लगता है, मह्यम मुष्टानम, मह्यम मैंने मुझे लगा, चतुर्थी व्यक्ति लगा दिए, अहम वाम व्यम माम वम अस्मान मह्यम वाभ्यम अस्मभ्यम, पता है ना, मह्यम लगाए मह्यम मिष्टानम रोचते। धारे रुतमरण मैंने धारी धातु के अर्थ में, उत्मरण मैंने कर्ज देने वाला में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, जैसे राम मेरा 100 रुपये का कर्जदार है तो राम मह्यम मेरा है, ठीक है मेरा कर्जदार है तो मह्यम सप्तम धारे थे मेरे 100 रुपये का कर्जदार है। तो इस तरह से 4 विभक्ति हम लोग कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में 5, 6, 7 समझ रहा है करेंगे, सब वीडियो में आ गया है, रोक करके वीडियो से तुम नोट्स भी लिख सकता है, थोड़ा सा देखो शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करवाओ, हटा दे इसको, मतलब इसको रोक करके भी सब लिख सकता है, जो छूट भी गया होगा लिख सकता है।
कारक में ये तीसरा वीडियो हो गया, तीसरा क्लास हो गया, समझ। एक क्लास और जाएगा।